हे व्हाट्सअप मित्रों, कैसे आप सब लोग। वेलकम टू विशाल गॉसिप व्लॉग्स। तो आज के व्लॉग में मैं जाने वाला हूँ एक दोस्त के पास, क्योंकि उसने एक नई चीज ओपन की है। तो उसके लिए वहाँ व्लॉग बनाने के लिए उसने मेरे को पर्सनली बुलाया था कि यार आ जाना। मैंने कहा ठीक है फिर, तो अब चलिए वहाँ चलते हैं। तो चले रोज कह रहा है ना। तो और आप देख रहे होंगे इस बार दक्ष है नहीं, क्योंकि दक्ष गुस्सा हो गया, तो वो गया ऊपर, उसने हमें नीचे भेज दिया। तो अब चलते हैं हम, चलिए। तो मित्रों फाइनली मैं लोकेशन पर पहुंच गया हूं, और मेरे पास उनका नंबर नहीं है, तो ये पोपट हो गया मेरे साथ। तो पहले नंबर लेता हूं मैं किसी दोस्त से, फिर तो उसको कॉल करता हूं, फिर करके चलते हैं उनकी शॉप पे। तो मित्रों अब मैं आपको दिखाता हूं शॉप के अंदर। तो चलिए भाई से मिलते हैं। और विशाल भाई कैसे हो? चलिए आप कस्टमर अटेंड कीजिए, फिर मैं मिलता हूँ आपसे। तो मित्रों जैसा कि आपने देखा कि विशाल भाई कितने बढ़िया तरीके से कस्टमर को अटेंड कर रहे हैं, तो ऐसे ही वो आपको अटेंड करेंगे। मैं डैम श्योर हूँ कुछ ना कुछ यहाँ से लेके ही जाएंगे, क्योंकि उनका बोलने का तरीका, उनके कपड़ों की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। तो चलिए अब बात करते हैं उनके कपड़ों के बारे में और उनके बारे में। तो मित्रों फाइनली विशाल भाई ने अपना कस्टमर अटेंड कर लिया है, और एक कोइंसिडेंट देखो, भाई का नाम भी विशाल है और मेरा नाम भी विशाल है। तो चलिए विशाल विशाल करते हैं। तो अब मिलते हैं भाई से। और भाई कैसे हो आप? बढ़िया। तो आप कुछ मेरे को पहले बताओ कि लोकेशन यहाँ की। लोकेशन भी है जो आपका पड़ेगा, आप अगर इस दिल्ली में आते हो तो इस दिल्ली में आपका थोड़ा कॉर्नर साइड पड़ता है, बोकरा। बोकरा से आपका जस्ट 100 मीटर अंदर आओगे, 25 मीटर रोड है गगन विहार, उसमें गली नंबर 1 के पास ही हमारी शॉप है। साफ साफ दिख जाएगा डिस्प्ले, आपको बाहर मिलेगी। इसलिए पूछोगे नाम बताओगे दुकान का, फैशन फ्लो, वो आपको बता देगा। तो आपको ये फैशन फ्लो नाम मतलब आइडिया कहाँ से आया? एक्चुअली आइडिया मैंने बहुत सोचा है, मैंने काफी शॉप ओपन रेनोवेशन के टाइम पे, मेरे को आइडिया नहीं आया कि मैं क्या रखूँ क्या रखूँ क्या रखूँ। देन वी विल डिसाइडेड कि नाम से रखूँ, एंड कुछ ये तो अट्रैक्टिंग टाइप है ना, फैशन एंड फ्लो, कि बंदा फैशन के भाव में रहेगा। हमारे दुकान में आएगा तो भाव में रहेगा, फैशन फैशन रहेगा जो रहेगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो मतलब आपने क्या सोच के शॉप खोली कि हाँ मुझे बिजनेस करना था? एक्चुअली विशाल भाई क्या था ना, अब देखो अब हम स्टार्ट होते हैं तो हर किसी का एक ड्रीम होता है। तो मैं शुरू से सेल्फ डिपेंडेंट था, तो मैं किसी की शॉप पे काम करता था। जिस टाइम पे मेरी 12th थी तो मैं पार्ट टाइम में काम करता था बीएड के पास। तो धीरे मैं ड्रीम था कि चलो एक बार खुद की भी ऑन शॉप करेंगे। तो मैंने उसके बाद हार्ड वर्क करा, मैंने थोड़ा पैसा जुड़ा अपने तरफ से, तो मैंने ये शॉप ऑन करी। फाइनली मेरा ड्रीम सच हुआ कि मैं एक शॉप का ऑनर बन के बैठा हूँ। और आप भाई हो क्या रहे, ऑनर बनने से कुछ नहीं होता, ऑनर बनने के लिए बिजनेस भी चाहिए होता है। तो आप सबका प्यार देगा तो हम और आगे करेंगे, और जैसा दिल खोल से आपसे ट्रीट करते हैं हम सबके साथ ऐसे करेंगे। बहुत बढ़िया। जैसे कि देखो आपका ड्रीम था, आपने शॉप खोल दी, आपके जैसे बहुत से लोगों का ड्रीम है कि हमारी भी शॉप हो। तो वो सोचते हैं कि भाई उसमें कितना पैसा खर्च होगा, क्या क्या मतलब लगाना पड़ता है, थोड़ा कुछ बताना चाहोगे इसके बारे में? विशाल भाई देखो बिजनेस है, बिजनेस में पैसा तो लगता है। आप छोटा करोगे बड़ा लगोगे पैसा तो लगता ही लगता है। एक लेडी वाला भी लगाता तो उसमें पैसा लगाता है, सब चीज इकट्ठी करता है। मेरा थोड़ा था, हमारा क्या है ना कपड़ों में, आपको बताइए कपड़े आजकल क्वालिटी चाहिए होती है चीजों को लेकर, वरना सस्ते में बाजार में मिलते हैं। तो क्वालिटी लाएगा तो कस्टमर वापस आएगा। तो मेरा काफी मैंने जो जोड़ जोड़ के मैंने कम से कम 2 से 2.5 साल सेविंग्स करी, और उसके बाद मैंने स्टार्टअप करा, मैंने प्लान बनाया कि किस किस में कितना कितना इन्वेस्ट करके क्या क्या लाना है। तो करते करते मेरा कम से कम इसमें 2.5 लाख से ऊपर जा चुका है मेरा। एंड देन अभी भी मैं इन्वेस्ट कर ही रहा हूँ, क्योंकि रिक्वायरमेंट ट्रेंडिंग माल आता रहता है, मैं उठा लेता हूँ कि भाई बंदों को चाहिए, कस्टमर रिक्वायरमेंट पहले पूरी करनी है हमें। तो वैसे तो हमारा अभी लग ही रहा है, प्लस में जा ही रहा है, और काफ़ी डिस्प्लेस पे होता है और प्रमोशंस पे होता है, पेजेस हुए और होम डिलीवरीज में तो काफ़ी लगता है। तो बहुत बढ़िया। तो मैं सुना आपका एक इंस्टाग्राम पेज भी है। हाँ जी भैया, क्या है अब आपका जारी में लोगों को बताने के लिए, आपको डेली अपडेट के लिए कोई ना कोई पेज चाहिए था, कोई नेटवर्क चाहिए था, तो सबसे बढ़िया हमने इंस्टाग्राम का यूज़ करा। हमने अपना शॉप के नाम से पेज बनाया फैशन फ्लो 30, जो आपको मैं विशाल भैया लिंक में दे देंगे बायो में, तो आप उससे जाकर फॉलो कर सकते हो हमारे। उसमें हम डेली अपडेट स्टोरीज पे डालते हैं,
कस्टमर्स जो प्रोडक्ट लेके जाते हैं वो टैग करते हैं, उनकी स्टोरीज लगाते हैं कि कस्टमर हैप्पी है नहीं हैप्पी, उनका फीडबैक लेते हैं सर कैसी लगी सर्विस अकॉर्डिंग दिस, और डिलीवरी करवाते हैं तो डिलीवरी में डीएम में हमें ब्लॉग बोलते हैं, डीएम में उनका ऑर्डर कम्प्लीट कराते हैं। चेंजिंग का भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको कोई इशू आता तो हमारा चेंजिंग के लिए बंदा आपके पास आएगा, मान लेके जाएगा आपको चेंजिंग करेगा, आप 3 दिन में कभी भी चेंज करो, हफ्ते में चेंज करो, हमारे कोई लिमिट नहीं है। आप बस कस्टमर को कोई दिक्कत ना हो, हमारा यह है कि हमारा ना कस्टमर सर्विस अच्छी हो, ताकि कस्टमर कल को ये ना बोले कि भैया ऐसे ऐसे अच्छे गलत हो गए हमारे साथ, तो हम पूरी सर्विस जितना हेल्प कर सकते हैं उतना कस्टमर करते हैं। तो भाई एक सवाल और है, जैसे कि अब आप यूथ हो, आपको पता है कि आपकी उम्र में जो बंदे आपकी उम्र में जो होते हैं वो कुछ मतलब गलत काम करते हैं, कहीं और संगत में पड़ते हैं, तो उसके लिए कोई आप मोटिवेशन स्पीच देना चाहते हो? मोटिवेशन ये है, देखो अगर आप अपने कहते हैं ना आपके घर की परवरिश अच्छी होगी, आपका पालन पोषण अच्छा होगा, और आप सिचुएशन जानते हो कि आपके घर की सिचुएशन क्या है, तो आप कभी गलत चीज में नहीं पड़ोगे। और बात है गलत, दुनिया में हर इंसान हर तरह का इंसान नशेड़ी है और काफी टाइप के बताने की जरूरत है, सभी आजकल एटमोसफेयर में रहते हैं, तो आपके अपने ऊपर है। आपको अगर अपना ड्रीम पता है कि मुझे अपनी लाइफ में आगे कुछ करना है, मेरी फैमिली मेरे पर डिपेंड है, कल को मुझे किसी के आगे भागना बनाने पड़े और लाइफ सक्सेस करनी है, तो आपको सोचना पड़ेगा, फर्क नहीं पड़ता आपके साथ के लोग कैसे, आपको कैसा बनना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत बढ़िया, आपकी सोच बहुत ही बढ़िया है। अब आते हैं हम आपके कपड़ों पे, कि आपके कपड़ों की क्वालिटी और कपड़ों में आप क्या क्या रखते हो ताकि कस्टमर को पता लगे कि हाँ कि ये यहाँ पे मिल जाता है। हम अदर्स के लिए काफी लोग अलग अलग वैरायटीज में कपड़े रखते हैं, जैसे कि आप देखोगे ना, जैसे कि हर तरह की शेड रखनी पड़ती है जींस के, लाइक ये एग्जांपल है ग्रे शेड एंड रफ लुक, इसमें ये हुई आपको चॉइस में, इसमें आप ब्लैक शर्ट पहनो डार्क कलर शर्ट पहनो बहुत सुटेबल लगेगी। उसके बाद आ जाती है हमारी बादल वॉच, इसमें काफी टाइप्स होती है पैंट की, देखोगे आप इसका स्क्रीन शेड है जो बादल में होगा टाइप्स होता है, इसे बादल वॉच कहते हैं। तो उसके बाद आता है आपका एक नॉर्मल पैटर्न ब्राउन ब्लैक, तो ये आता है, ठीक है। इसकी पॉकेट बिल्कुल प्रॉपर अच्छे से डिजाइन में है और अच्छा लुक लगता है पहनने के बाद काफी, एंड काफी चॉइसेस रखते हैं, ऐसी बात नहीं है कस्टमर को एक नहीं आई दो नहीं आई, हमारे पास टोटल 30 से ज्यादा की वैरायटी है पैंट में। इसमें आप देखोगे तो इसमें क्या है, पूरा ब्लैक पैटर्न है, जो जो लेबर ने जो सिलाई यूज करी है वो उसका कलर अलग है, जो पहनता है ना बंदा तो उसका लुक अलग ही आता है, उसके ऊपर आप लाइट शर्ट पहनो बैली पहनो जो आपको वेयर करना वो करो तो प्रॉपर अच्छा लगता है। तो ये तो की बात जीन्स की, अब हर किसी को कोई जीन्स नहीं पहनता ना, हर किसी के लिए कोई फॉर्मल भी पहनता है, तो आप फॉर्मल में कुछ दिखाना चाहोगे? क्या है, सही बात कही आपने विशाल भैया कि हर कोई बंदा जीन्स नहीं पहनता, इसकी कभी कभी बंदा फॉर्मल वाले भी, लाइफ में जॉब भी इम्पोर्टेंट है कैजुअल लाइफ भी इम्पोर्टेंट है, तो फॉर्मल के लिए हम सजेस्ट करते हैं कॉटन ट्राउजर हुई ब्लैक्स हुई, ये आप देखोगे ना ये कॉटन ट्राउजर है, ये आप कैजुअल में वेयर करो फॉर्मल में वेयर करो दोनों में चलता है। ये देखो ब्लू पैटर्न है, इसके कपड़े के इंटरनल भी फैब्रिक पे डिजाइन है, एंड देन इस पे आप वाइट शर्ट पहनो ब्राउन जूते पहनो क्या क्लासिक लुक आएगा ना, मैं बता रहा हूँ भैया कि आप चाहोगे जहाँ जाओगे। और उसके बाद ग्रे हुआ, हम जैसे कहते हैं ना कि कस्टमर को अपना कुछ सजेशन भी देते हैं कि सर आप ये ट्राई करो बेटर लगेगा, आप पहन के देखो मिरर है आप देखो तो आप कैसे लग रहे हो, आप खुद से भी देखो और हम भी बताएंगे आपको कैसे लगेंगे आप। तो ब्रो बात हो गई जीन्स की और कैजुअल पैंट्स की, तो अब आता है शर्ट्स पे, अब शर्ट्स में वैरायटीज दिखाइए। शर्ट्स में सबसे ज्यादा चॉइसेस होती है इंसान की, जींस में आपको काफी शर्ट्स मिलते हैं, शर्ट्स का है ना आप हर तरह की शर्ट में ना अलग वैरायटी आती है, लाइनिंग आती है डॉट आती है चेक आती है डबल साइडेड पॉकेट आती है सिंगल साइडेड पॉकेट आती है अब शोल्डर साइज आता है कट पॉकेट आता है सब चीज आती है। तो जैसे कि मैंने खुद से वेयर कर रखा है काफी चॉइस है, मुझे तो ये अच्छा लगता है, मैं आपको इसी का कलर दिखाता हूँ, जैसे कि मैंने ब्राउन पहन रखा है, इसका ब्लू है एंड ब्लू लड़कों का फेवरेट होता है, इसमें से हम साइजेस सब मिल रखते हैं, इसमें एम साइज रखते हैं एल साइज रखते हैं और एक्स्ट्रा लार्ज रखते हो डबल एक्स्ट्रा लार्ज भी रखते हैं ताकि कोई बंदा ये वापस ना जाए, सबकी रिक्वायरमेंट हमें पूरी करनी है और करके ही भेजेंगे उसे। और उसके बाद आपकी लाइनिंग हुई वाइट में हम स्पेशली केयर करते हैं उसको पॉलिथीन में वेयर करते हैं ताकि उसको कोई डॉट ना लगे आपको दिक्कत ना आए, भैया डॉट लगा हुआ ये आ गया, फिर आई तो कोई भी वाइट आता है पॉलिथीन में पैक हो जाता भैया वाइट का थोड़ा स्पेशली लॉक हो गया कि भैया डोंट। तो उसके बाद एक दिवाली एडिशन आता है हमारे कुर्ते टाइप की शर्ट्स आती है ग्रे स्टैंडर्ड लुक है जेन्युइन क्लासिक लुक आएगा। उसके बाद आपका थोड़ा टेंगी शर्टें आती है, ये पता नहीं इसको मैं गुजराती शर्टें कहता हूँ, गुजराती लोग ज़्यादा पहनते हैं अच्छा, और दिल्ली में भी चल रहा है काफ़ी पेंटिंग शर्टें तो ज़्यादातर ना गुजराती लोग पहनते थे मालवाड़ी लोग पहनते थे बट अब दिल्ली में भी काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है। उसके बाद आपका प्लेन्स का आ जाता है, प्लेन्स में आपका कॉमर्स में काफ़ी कलर होते हैं कि भैया कॉमर में भी स्पेन पर क्या कलर बिठाएंगे, तो हमने सारे कलर कस्टमर के सामने विजिबल रखते हैं कि अभी आपकी डार्क पैंट आप लाइट कलर का ये बैठा हो ग्रीन है येलो है
व्हाइट है, ग्रे है, डार्क ग्रे है, सब चीज है। तो हम फॉर्मल में रखते हैं, फॉर्मल का एक नंबर फैब्रिक रखते हैं ताकि कल को आप पहन के जाओ इंटरव्यू पे, अच्छे से अच्छे इंटरव्यू पे आपका स्पेशल इफेक्ट पड़े सामने इंटरव्यू वाले बंदे को। बस ये आपका मतलब आपने सबका ख्याल रख रखा है, कैजुअल का भी, जो जीन्स पहनते हैं उनका भी, दिवाली एडिशन भी आपके पास है, मतलब टोटल आपका सब है, जिसको जो चाहिए वो आपके पास है। हाँ जी भैया, कोई ऐसी चीज़ है जो आपके पास नहीं है? एक चीज़ नहीं है कि हमें क्या है ना, अभी अच्छे तरह सपोर्ट नहीं मिल रहा है काफ़ी। ठीक है, तो आप भाई लोगों जैसे से आप आते हुए क्या है, हमारे पास जो आता है उसका सपोर्ट मिलना चाहता है, पर हमें अभी वो सपोर्ट की जरूरत है जो आपके थ्रू चाहिए, बस वो मिल जाएगा, हम पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन, सपोज कीजिए जो चीज़ आपके पास नहीं है, अब कस्टमर आपसे मंगा रहा है, तो आप कितने दिन में ला सकते हो? कस्टमर रिक्वायरमेंट हमारे लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी रहती है। कस्टमर में स्पेशल एडिशन बोलता है कि भैया ये नहीं है मुझे प्लीज़ करा दो, तो हम उसके लिए स्पेशली मार्केट में विजिट करते हैं, देखते हैं, बात करते हैं, कॉन्टैक्ट अपने टू शॉप ओनर टू शॉप ओनर डील करते हैं कि भैया ये चाहिए, मेरा कस्टमर रेगुलर कस्टमर है, मुझे ये चीज़ पूरी करानी है, तो हम उसका जहाँ तक हो सकता है 101% कोशिश करते हैं कि उसकी कोई चीज़ हो। सर एक बात बताइए कि आपकी शॉप को कितना टाइम हो गया है? विशाल भाई ज़्यादा क्यों, क्या मेरा ड्रीम था, मैंने काफ़ी देर में मैच करा, तो उनको जैसे चांस मिला क्योंकि शॉप एक अच्छे प्लेस पे होना और एक सही जगह पे होना बहुत ज़रूरी है चलाने के लिए, तो काफ़ी मार्केट सर्च करी तो तब जाके मुझे यहाँ मिला, यहाँ का मैंने फिर रेनोवेशन कराया, जो आपको रेनोवेशन दिखाया इसमें कुछ भी नहीं था, प्लेन था, वाइट था, तो मैंने रेनोवेशन कराया, तो हमने अगस्त में ओपन करी थी जिसका मुझे 10 दिन रेनोवेशन में लग गया, तो मैंने अगस्त स्टार्टअप करा था, तो हमारा 31 अगस्त में था गणेश चतुर्थी वाले दिन हमारी ओपनिंग हुई थी, तो हमें अब 2 महीने हुए भी नहीं है, पर हम पूरे जोर जोर से लगेंगे भैया रिक्वायरमेंट डालो कस्टमर की पूरी तरह। तो मित्रों जैसा कि आपने देखा, हमारे विशाल भाई ने मतलब पूरी मेहनत करी अपनी शॉप को खोलने के लिए, फाइनली अपना ड्रीम पूरा कर लिया है। अब अगर आप लोगों को जो भी कपड़े चाहिए आप मेरे को DM कर सकते हो, भाई का इंस्टाग्राम लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पर बोल सकते हो, जो भी आपको चाहिए वो आपको प्रोवाइड कर देंगे, वो भी लिमिटेड स्टॉक में और एकदम वैल्यूएबल प्राइस में आपको देंगे वो। और आपको भाई ने लोकेशन बता दी है, आप आ सकते हो, विजिट कर सकते हो काफ़ी।